इलाके में धारा 144 लगा दी है और एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया है। प्रदर्शन स्थल के पास 12 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें 10 कंपनी पुरुष सुरक्षा बल शामिल है, जबकि 2 कंपनी महिला सुरक्षा बल को लगाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी 15 दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में संयुक्त आयुक्त डीसी श्रीवास्तव ने कहा कि एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस तैनात की गई है। हमारा उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकना है। शाहीन बाग इलाके में 1 मार्च को निकलने वाली रैली स्थगित हो गई है। यह विरोधी पक्ष की ओर से निकाले जाने की घोषणा की गई थी। इसे लेकर 75 दिन से धरना दे रहे लोगों ने भी रैली निकालने की बात कही थी। माहौल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कदम उठाते हुए दोनों पक्षों की रैली न निकालने के लिए मना लिया है। लोगों का कहना है कि रास्ता न खुलने से उन्हें समस्या जरूर हो रही है, लेकिन राजधानी में शांति बनाए रखना जरूरी है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। वहीं शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब 23 मार्च को सुनवाई होगी। याचिका में प्रदर्शनकारियों की तरफ से सुरक्षा देने की मांग की गई थी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।